हेलो यूट्यूब फैमिली, की हाल चाल, सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। सो फ्रेंड्स, आज फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज का स्पेशल डे क्या है, एक्चुअल में हम जा रहे हैं पंजाब बठिंडा शहर। पंजाब बठिंडा शहर मैं लाइफ में एक ही बारी गया हूँ और आई थिंक अपनी होश में ये सेकेंड टाइम जा रहा हूँ। और कहते हैं कि बठिंडा शहर घूमने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन चाहिए होते हैं, लेकिन हमारे पास 1 से 2 दिन ही है। तो एक से दो दिन के अंदर हम बठिंडा शहर को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। सो मेरे साथ जा कौन कौन रहा है, मेरे साथ जा रही है मेरी वाइफ एंड मेरी प्यारी बेबी जब शाइन। तो अभी टाइम हो चुका है अराउंड रात के 9 बज चुके हैं और 10:45 की हमारी ट्रेन, यानी कि 10:45 PM की हमारी ट्रेन है सराय रोहला दिल्ली से। तो काफ़ी मज़ा आने वाला इस पूरे ट्रैवल के अंदर। तो फ्रेंड्स बता दूं कि बठिंडा शहर एक बहुत ही प्यारा शहर है। वहाँ पे हमारे जो सिखों के 5 तख्त हैं उनमें से एक तख्त भी है गुरुद्वारा दमदमा साहिब, वहाँ का भी आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा, दर्शन करवाऊंगा। खुद भी दर्शन करेंगे, आपको भी दर्शन करवाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी का सीन ये है कि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट यहाँ से निकलते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके हैं, क्योंकि अभी नीचे जाके सबको मिलना भी है और कैब मिलती है, ऑटो मिलता है, कुछ भी पकड़ते हैं। अराउंड यहाँ से मेरे घर से 12 से 13 किलोमीटर है, तो कैब या ऑटो में से जो भी मिलेगा फटाफट पकड़ेंगे और स्टेशन पहुँचेंगे। तो बाकी आपको मिलेंगे स्टेशन जाके। तो अभी का सीन यही है फ्रेंड्स कि हमने कैब तो पकड़ ली है और कैब में जो टाइम आ रहा गूगल मैप पे, जितने बजे हम पहुंच रहे हैं उतने बजे तो हमारी ट्रेन का टाइम है। तो बस होप करते हैं 2-4 मिनट पहले पहुंचे ताकि हम ट्रेन पकड़ सकें। तो फ्रेंड्स बस यही है, अभी फटाफट पहुंच जाए स्टेशन। तो फ्रेंड्स हमारी ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म पे और कैब वाले भैया ने हमें पूरे 4 मिनट पहले यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे पहुँचा दिया है, यानी कि स्टेशन पहुँचा दिया था। तो बस अब फटाफट अपने कोच की तरफ चलते हैं ताकि अपनी सीट पे बैठ सकें और ट्रेन बस रेडी है। अराउंड 2 से 3 मिनट में ट्रेन चलने वाली है, बस फटाफट हम एकदम हैं सराय रोहला रेलवे स्टेशन पर और ये हमारी ट्रेन है। तो फाइनली फ्रेंड्स हम अपनी सीट पे बैठ चुके हैं और ट्रेन चल पड़ी है और अभी हमारी स्लीपर सीट है। तो अभी हम लगे हैं थोड़ा सा रेस्ट करने क्योंकि सुबह मॉर्निंग हम अराउंड 4:30 बजे पहुँचेंगे बठिंडा जंक्शन। तो अभी बस रेस्ट करते हैं और आपको मिलते हैं दोबारा से सुबह मॉर्निंग में। सो फ्रेंड्स स्वागत है आपका बठिंडा शहर के अंदर। अभी हम हैं बठिंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन और अभी मॉर्निंग का टाइम हो चुका है 4:45। तो अभी हम चलते हैं स्टेशन से बाहर और अभी हम जाने कहाँ वाले हैं इतनी मॉर्निंग में, तो आपको थोड़ा स्टेशन से बाहर जाके आपको सारी चीज़ बताता हूँ फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अभी हम जाने वाले हैं गुरुद्वारा हाजी रतन साहिब, जो कि अराउंड यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर पड़ता है और नीचे कन्वेंस क्या मिलती है वहाँ के लिए तो वो तो नीचे जाके पता लगेगी। बाकी फ्रेंड्स अभी चलते हैं वहीं पर और आपको मिलते हैं आगे। सो फ्रेंड्स बठिंडा जंक्शन से अराउंड हाजी रतन 3.2 किलोमीटर है, तो यहाँ पे स्टेशन उतरते ही हमें मिल गई है मयूरी। तो हम मयूरी से जा रहे हैं गुरुद्वारा हाजी रतन साहिब। अभी आप जो दर्शन कर रहे हो ये है गुरुद्वारा हाजी रतन साहिब जो कि बठिंडा शहर में पड़ता है। ये बठिंडा जंक्शन से अराउंड 3.2 किलोमीटर पड़ता है। गुरु गोविंद सिंह जी बठिंडा के सबसे पहले इसी जगह पर रुके थे और यहीं पे मिले थे हाजी रतन जी से। तो पूरा इतिहास एक बार आप गूगल करके भी देख सकते हो। तो आप सो फ्रेंड्स आप जो अभी जो यहाँ बेरी देख रहे हैं, ये बेरी पे ही गुरु गोबिंद सिंह जी ने आके अपने घोड़े को यहाँ पे बांधा था। तो आज भी ये बेरी वैसे की वैसी हरी है और ऊपर है निशान साहिब।
सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और अभी सुबह का टाइम हो चुका है, अराउंड 6:30 बज चुके हैं और हम हैं इस टाइम गुरुद्वारा हाजी रतन साहिब के मेन गेट पे। और यहाँ पे एक छोटी सी लोकल मार्केट भी लग रही है, तो हमें जब शाइन के लिए लेना है एक छोटा सा प्यारा सा पटका भी। तो उसके आगे का प्लान क्या है, हम जाने वाले हैं आगे गुरुद्वारा दमदमा साहिब, जो कि यहाँ से अराउंड 30 किलोमीटर है। बाय बस हम यहाँ से जाने वाले हैं, तो बस यहाँ से फटाफट निकलते हैं और आपको मिलते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, हाजी रतन गुरुद्वारा साहब के बाहर निकलते ही अम्बेडकर चौक से हमें मिल जाएगी बस। सो फ्रेंड्स, हम पकड़ चुके हैं गुरुद्वारा दमदमा साहिब साबो की तलवंडी के लिए यहाँ से बस। और आपको बता दूं कि जैसे ही आप हाजी रतन गुरुद्वारा साहिब से थोड़ा सा बाहर रोड की तरफ आओगे, तो वहाँ अम्बेडकर चौक है, हाईवे है, वहीं से आपको मिल जाएगी रोडवेज़ की बस। तो रोडवेज़ की बस से हम जा रहे हैं साबो की तलवंडी गुरुद्वारा दमदमा साहिब। अराउंड ये हमारा 1 घंटे का सफ़र रहने वाला है और गुरुद्वारा दमदमा साहिब के बस स्टैंड पे हमें ये बस उतारेगी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा दमदमा साहिब साबो की तलवंडी, और ये जो बस स्टैंड है ये गुरुद्वारा दमदमा साहिब साबो की तलवंडी का ही है, जो कि गुरुद्वारा साहिब के बिल्कुल साथ बना हुआ है। तो अभी चलते हैं हम बाहर की तरफ। सो फ्रेंड्स, बस स्टैंड से निकलते ही बाहर है गुरुद्वारा दमदमा साहब के मेन एंट्रेंस गेट, जो कि अराउंड 3 गेट्स हैं। तो अभी अराउंड 10 हो चुका है सुबह मॉर्निंग के, मेरे ख्याल से 7:30 बज चुके हैं। तो हम अभी एंट्रेंस कर रहे हैं गुरुद्वारा दमदमा साहब के लिए। ये फर्स्ट एंट्रेंस और ये है सेकेंड एंट्रेंस, जो कि अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है यहाँ पे। कुछ टाइम बाद यहाँ पे पार्किंग एरिया बन जाएगा काफ़ी अच्छी सी। और ये है थर्ड एंट्रेंस, जहाँ पे बाहर की तरफ आपको पार्किंग एरिया मिल जाएगा, यहाँ पे भी रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो चलते हैं अंदर की तरफ। तो अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ और पहले पता करते हैं यहाँ पे रूम, क्योंकि यहाँ पे रूम इजीली मिल जाते हैं गुरु तेग बहादुर निवास में। सो फ्रेंड्स, ये है गुरु तेग बहादुर निवास, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से रूम मिल जाएंगे यहाँ पे। फाइनली फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा दमदमा साहिब और अभी हम जा रहे हैं अपना रूम पता करने के लिए। तो आज की वीडियो को बस अभी यहीं पे एंड करते हैं, तो बाकी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और रेस्ट करने के बाद आपको दोबारा से मिलेंगे और दर्शन कराएंगे गुरुद्वारा दमदमा साहिब के। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बाय 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 बाय।